हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। गाइस सुबह सुबह हमारी बीवी को पका रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी बीवी को पका नहीं रहा हूँ। एक्चुअली वी आर हैविंग कॉन्वर्सेशन ऑन उर्दू। तली अंदर जाओ पगली। हाँ ठीक बाप। अब बाय 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 बुद्धि जी। हाँ बाय भाभी जी, टेक केयर भाभी जी। अरे सुनिए, हो गया और टेक केयर रहेगा। नंबर के जलील आदमी है आप, समझे? एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीधा चोरी। 100 जलील मरे होंगे तब आप पैदा हुए होंगे। जलील मैं नहीं हूँ, बल्कि आप कानपुर के सबसे बड़े जलील हैं। आपकी कोई इज्जत नहीं है कानपुर में। अरे जाइए, आपसे कहीं ज्यादा इज्जत है हमारी। ये मुंह और मसूर की दाल, कोई इज्जत नहीं है आपकी। भले ही मैं नल्ला हूँ, लेकिन लोग मुझे आपसे कहीं ज्यादा इज्जत देते हैं। चार लोगों के साथ रुकता बैठता हूँ तब भी मुझे इज्जत देते हैं लोग। जलील आदमी है, जलील है। 100 जलील मरे होंगे तब आप पैदा हुए होंगे। जलील मैं, जलील आप। कानपुर के सबसे बड़े जलील हैं आप। जलील और खार हैं। आपकी कोई इज्जत नहीं। जलील और खार, आपकी कोई इज्जत नहीं है। अरे जाइए, आपसे ज्यादा इज्जत है हमें। हाँ यार सुनते हैं, अभी जाइए। रोहित जी थोड़ा और झगड़े के मूड में आइए। कितने जलील थे उसे ले रहे। हाँ बड़े जलील किस्म के आदमी हैं। नहीं नहीं वो हो गया, जलील मैं नहीं हूँ, बल्कि आप कानपुर के सबसे बड़े जलील। हाँ आप कानपुर के सबसे बड़े जलील हैं, जलील खार हैं। आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपकी कोई इज्जत नहीं है। शायद चाहिए, आपसे ज्यादा इज्जत है हमारी। ये मुंह और मसूर की दाल, भले हम नल्ले हैं लेकिन हमारी चार लोग में इज्जत है, पूरा कानपुर जानता है हमें। समझे आप? अरे क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्यों आप सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हैं? एक कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। भाभी जी से पूछिए जरा कितनी इज्जत करती है आपकी, जरा बताइए भाभी जी। भाभी जी भले ही बाहर वाले कितनी इज्जत करते हैं मेरे पति की या नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने पति की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। सुन लिया आपने? ये तो हम भाभी जी के सामने आपको बताएंगे। देख नहीं जा सकता।